हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक ओनेशॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जानकुक एक कॉलेज की प्रोफेसर है और वो तियांग की हस्बैंड है। वो तियांग से कहता है, देखो तुम्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तियांग प्रेगनेंट है। जानकुक तियांग को लेकर बहुत वारिड है, वो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन तियांग, वो कॉलेज जाने में उसको बहुत ही अच्छा लगता है, वो कॉलेज जाना चाहता है। जानकुक ने उसको साफ मना कर दिया, नहीं तुम कॉलेज नहीं आ सकते हो, तुम अभी रेस्ट करोगे घर में, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मेट को कह देना, वो तुम्हें लाकर दे देगा, तियांग कहता है। लेकिन जानकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हैं और उसको बाय बोलते हुए चले जाते हैं। जानकुक को लेट हो रहा था, वो कॉलेज चले आते हैं। जानकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था, तियांग और उसकी बेबी होने वाले है। यहाँ पर जिमिन तियांग को कॉल करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम आज कॉलेज नहीं आने वाले हो क्या? तियांग कहता है, मेरा प्रोफेसर हस्बैंड मुझे कॉलेज नहीं आने देना चाहता है, मेरा बहुत मन है। जिमिन कहता है, प्रोफेसर ने मना किया है तब तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। तियांग, उन्होंने अगर कहा है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। देखो ऐसे भी तुम्हें तो कहा ना, तुम इस बच्चे के लिए अभी फिट नहीं हो तो तुम्हें तुम्हारा ध्यान रखना होगा। तियांग कहता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम सबको बहुत ही मिस कर रहा हूँ, मुझे कॉलेज आना है। जिमिन कहता है, प्लीज़ तियांग ऐसा मत करना, वरना प्रोफेसर मुझे बहुत डांटेगा क्योंकि मैंने तुम्हें कॉल किया है। अगर तुम्हारी कॉल लिस्ट पर मेरा नंबर देख लिया ना तो मेरा खैर नहीं। तियांग कहता है, तुम बिल्कुल पेशेंट मत होना, मैं डिलीट कर दूंगा। और ऐसे भी तुम्हारी कॉल की वजह से नहीं, मैं ऐसे भी बहुत ही मिस कर रहा था, मेरा कॉलेज आने का मन था इसलिए मैं कॉलेज आ गया। जिमिन जैसे ही नोटिस करता है तियांग ने कहा वो कॉलेज आ गए, जिमिन ने कहा, वेट वेट वेट, तुमने अभी क्या कहा, तुम कॉलेज आ गए? तियांग, आर यू मैड? तियांग ने कहा, जिमिन देखो अब तुम मुझे इस तरह से डांटो मत, मैं कॉलेज भाग कर आया हूँ घर से, किसी को पता नहीं चला, अब तुमने अगर इतनी रिएक्ट किया ना तो सबको पता चल जाएगा, तो मैं गेट के सामने ही हूँ, तुम मुझे यहाँ पर आकर मिल लो, हम दोनों चुपकर पीछे से कॉलेज में आ जाएंगे और क्लास करेंगे, प्रोफेसर को कैसे पता चलेगा? ऐसे भी आज उनका कोई क्लास नहीं है हमारे रूम में। जिमिन कहता है, तियांग तुम क्या करते हो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तियांग जिमिन से कहता है, अब डरने से क्या होगा, मैं तो आ गया ना, अब चलो मेरी मदद करो। जिमिन कहता है, हाँ हाँ वहाँ पर रुको तुम, मैं अभी आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। तियांग तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तियांग कहता है, अब बस बहुत हो गया है, अब डांटना बंद करो। जिमिन कहता है, ठीक है मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लेकिन बेबी कब आने वाला है, मुझे और इंतज़ार नहीं होता है। तियांग कहता है, तो तुम मेरी हालत समझो, मुझे कैसा लग रहा होगा, अभी तो सिर्फ 3 मंथ ही हुआ है और प्रोफेसर चाहता है कि मैं घर पर ही रुक जाऊँ, ये बिल्कुल सही नहीं है ना, अभी बहुत देर है, मैं इतने दिन तक घर कैसे रुकूंगा। जिमिन कहता है, हाँ वो तो सही है, लेकिन क्या तुमने दवाइयाँ ले लिया है? तुम जानते हो ना दवाई लेना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, जूस पिया था क्या? तियांग कहता है, ओह शिट, मैंने जूस पीना भूल गया और दवाई भी नहीं लिया, प्रोफेसर तो मुझे मार ही डालेगा। जिमिन कहता है, तुमने क्या किया है तियांग, जल्दी से मुझे दवाई के बारे में लिख दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। लेकिन तियांग इससे पहले कि उसको दवाई के बारे में बोलता बेल बज जाते हैं। जिमिन कहता है, ओह शिट, अब तो मुझे कॉलेज से बाहर भी नहीं जाने को मिलेगा, अब क्या करेंगे? तियांग कहता है, एक दिन से कुछ नहीं होता है, चलो। तियांग जिमिन को लेकर क्लासरूम में आ जाते हैं और यहाँ पर जानकुक घर वापस आ गया था देखने के लिए तियांग ने दवाई ले लिया है या नहीं। जैसे जानकुक घर वापस आता है वो रूम में आने के बाद बहुत ही गुस्सा हो जाता है, बहुत ही शाउटली कहता है, तियांग कहाँ है? सारे मेट डर जाते हैं, सारे मेट को पता नहीं था कि तियांग रूम में नहीं है, सबको लगा शायद तियांग रूम में ही है। तियांग चुपके से कब बाहर गया किसी को नहीं पता, सारे मेट के हाथ पैर कांपने लग गए थे। जानकुक बहुत ही गुस्से में था, उसकी फेस देखकर सबके हालत खराब हो गए थे। मेट ने सॉरी कहा, हमें नहीं पता कि तियांग कहाँ है, हमें लगा वो रूम में है। जानकुक ने कहा, हाउ डेयर यू, तुम लोगों को मैंने किस लिए रखा है? तियांग का ध्यान रखने के लिए, वो कहाँ गए क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, तुम इतने सब क्या कर रहे थे, आखिर तुम लोग का काम क्या है, तियांग का ध्यान रखना ना, मेट सारे सॉरी कहता है। जानकुक तियांग को कॉल करने लगते हैं, तियांग जानकुक की फ़ोन नहीं उठाता है, कैसे उठाएगा, उसने अपना फ़ोन
बैग में सरेंडर करके रख दिया था। वहाँ पर जनकुक तियांग को कॉल करते करते परेशान हो जाते हैं। उसको समझ में आ गया था आखिर तियांग कहीं और नहीं वो कॉलेज ही होगा। यहाँ पर वो कॉलेज चले आते हैं। तियांग की क्लास रूम में जाने ही वाले थे जिमिन जनकुक के सामने आ जाते हैं और कहते हैं प्रोफेसर आई एम रियली सॉरी सारी गलती मेरी है। तियांग उसने कुछ नहीं किया है। जनकुक कहता है क्या हुआ सीधा सीधा बातें करो तुमने क्या किया है। और तियांग कहाँ है तियांग कॉलेज आया है ना सच बताओ वो कहाँ है। जिमिन कहता है वो तियांग अनकॉन्शियस हो गया है वो कुछ खाया नहीं था उसने दवाई भी नहीं लिया था वो ऐसे ही कॉलेज आ गया था। सॉरी मैंने उसको कॉल किया था उसको कॉलेज आने के लिए रिक्वेस्ट किया था मेरी गलती है प्रोफेसर मुझे माफ़ कर देना। जिमिन सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है। यहाँ पर तियांग अनकॉन्शियस होकर पड़े हुआ था। जनकुक को जैसे पता चला वो जिमिन की किसी भी बातों को ध्यान से ना सुनकर ही वो तियांग के पास चले आते हैं। तियांग को गोद में उठा लेते हैं और हॉस्पिटल आ जाते हैं तुरंत। जैसे डॉक्टर ने चेक किया डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है उसने सिर्फ दवाई नहीं लिया था और सुबह को कुछ नहीं खाया था इसलिए वीक हो गए थे और उसके आंखों के सामने अंधेरा आ गया था और कुछ नहीं वो अब ठीक है। जनकुक तुम इतना परेशान मत होया करो ऐसे भी तुम बहुत ही यंग हो इस तरह से परेशान होते रहोगे ना तो जल्दी से बुढ़ा हो जाओगे। जनकुक ने कहा डॉक्टर ये मजाक करने का टाइम नहीं है अगर मेरे तियांग को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिमिन के हाथ पैर कांप रहा था। जिमिन कहता है सॉरी प्रोफेसर मेरी गलती है आई एम रियली सॉरी मैं आगे से ऐसा गलती नहीं करूँगा। तियांग कहता है क्या बोल रहे हो तुमने क्या किया है सारी गलती मेरी है मैं ही चुपकर कॉलेज गया था सॉरी मुझसे गलती हो गया है मैंने ध्यान नहीं दिया आगे से ऐसा नहीं होगा। जनकुक कहता है मुझे पता है जिमिन तुम्हारा सोलमेट है और तुम्हें बचाने के लिए ये सब कुछ बोल रहा था। आखिर तियांग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम जानते हो ना तुम बहुत ही वीक हो बच्चे को जन्म देने के लिए मैंने कहा भी था इस बच्चे को जन्म ना देने के लिए लेकिन तुम हो कि जिद पे अड़े रहे अब जब इसको जन्म देना ही चाहते हो तो उसको अच्छे से पूरा क्यों नहीं करते हो या तो इसको अच्छे से पूरा करो वरना इस बच्चे को। तियांग कहता बस बहुत हो गया है इससे आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ मुझे इस बच्चे को जन्म देना है आई नीड बेबी मुझे बेबी चाहिए। जनकुक कहता है लेकिन तुम्हारी हरकतों को देखकर नहीं लगता है कि तुम्हें बेबी की ज़रूरत है अगर तुम बेबी को इतना ही चाहते हो तो उसका ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो। तियांग कहता है लेकिन मैं उसका कैसे ध्यान रखूँगा जबकि वो अभी तक दुनिया में नहीं आए हैं। जनकुक कहता है अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ उस बेबी को तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं आए हैं वो तुम्हारे टम्मी में है तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा वही बेबी के लिए ध्यान रखना होगा समझे। जनकुक बहुत ही गुस्से में कहता है। तियांग कहता है सॉरी आगे से ध्यान रखूँगा। डॉक्टर अब मुझे क्या करना होगा डॉक्टर ने कहा ध्यान से खाना खाया करो जूस पिया करो और हाँ जैसे तुम्हारे हस्बैंड कहते हैं वैसे ही करना। जनकुक को सारी बातें पता है। और तुमने दवाई क्यों नहीं लिया मैंने तुम्हें कुछ दवाई लिखकर दिया था तियांग टाइम से लिया करो वरना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस बच्चे को जन्म देना क्या तुम इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते हो। सॉरी डॉक्टर मैं आगे से ध्यान रखूँगा जनकुक कहता है। अब मैं उसको घर लेकर जा सकता हूँ क्या डॉक्टर डॉक्टर ने कहा यस तुम उसको लेकर जा सकते हो मुझे तुम पर भरोसा है अगर नर्स की ज़रूरत पड़े तो मुझे कह देना मैं तुम्हारे घर पर एक नर्स को भेज दूँगा। जनकुक कहता है लगता है इसकी ही ज़रूरत है अच्छा होगा कि आप एक नर्स को मेरे घर पर भेज दीजिए। तियांग कहता है नर्स की क्या ज़रूरत है मैं अपना ध्यान रख लूँगा ऐसे भी जिमिन है ना मेरा ध्यान रखने के लिए क्यों जिमिन तुम मेरे घर पर मेरा ध्यान रखोगे ना और ऐसे भी कॉलेज पर जिमिन मेरा ध्यान रखता है। जनकुक कहता है आज से तुम कॉलेज नहीं जाने वाले हो कान खोलकर सुन लो और जिमिन कॉलेज की होमवर्क तुम्हें दे देगा क्यों जिमिन तुम इतना कर सकते हो ना और जिमिन तुमने अगर तियांग को कॉलेज जाने में कोई भी मदद किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं तुम्हें एग्जाम में फेल करवा दूंगा। जिमिन कहता है लेकिन प्रोफेसर जनकुक कहता है आइंदा से झूठ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। जिमिन कहता है सॉरी उसके बाद जनकुक तियांग को अपने साथ मेंशन लेकर आते हैं। यहाँ पर जिमिन बहुत ही घर आने के बाद डरा हुआ था
आज अगर तियांग को कुछ हो जाता तो उसका क्या होता। जिमिन बाद में तियांग को कॉल करता है और कहता है, तियांग क्या तुम ठीक हो ना? तियांग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और अब तो मेरे पास नर्स भी है, मुझे क्या हो सकता है। जिमिन कहता है, क्या अभी भी प्रोफेसर मुझसे गुस्सा है? क्या मुझे फेल करवा देंगे क्या एग्ज़ाम में? तियांग कहता है, वो तो ऐसे ही कह दिया था। जिमिन शी, तुम इतने डरते क्यों हो? अच्छे से पढ़ाई करो। मुझे पता है इस बार तुम ही टॉप करने वाले हो। जिमिन कहता है, नहीं, हर बार तुम टॉप करते हो, मैं चाहता हूँ इस बार तुम ही टॉप करो। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा तुम्हारे लिए मैं वही करूँगा। तियांग कहता है, क्या क्या तुम मुझे कॉलेज लाने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हो क्या? जिमिन कहता है, ओ नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम ये सब को सपने में भी मत सोचना। मैं तो तुम्हें नोटबुक देकर हेल्प करने के बारे में सोच रहा था और कुछ नहीं। यहाँ पर जन को कहा चाहते हैं। तियांग कहता है, जिमिन बाद में बात करता हूँ, मेरे हस्बैंड आ गए हैं। जिमिन कहता है, ओ माई गॉड, मैं कॉल रखता हूँ। वो कॉल कट कर देता है। यहाँ पर जनकू तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं। जनकू के हाथ पर सूप के बॉल थे। तियांग ने कहा, अभी सूप क्यों लेकर आए हो? मुझे भूख नहीं है। जनकू कहता है, देखो अब तुम्हें सूप पीना ही होगा, और तुम अगर इस सूप को नहीं पियोगे ना तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तियांग कहता है, क्या पनिशमेंट देने वाले हो? जनकू कहता है, हाँ वो तो मैं दूंगा ही, लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए यही पनिशमेंट होगा कि तुम इस सूप को पी लो। तियांग कहता है, ठीक है, लेकिन मैं इतना सारा कैसे पीऊँगा? जनकू कहता है, तुम्हें पीना होगा क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ बेबी भी है। तो ये सूप मैंने तुम दोनों के लिए बनाया है, तुम दोनों को ही इस सूप का पीना होगा। तियांग कहता है, ठीक है, मैं अपनी बेबी के लिए ये तो कर ही सकता हूँ। उसके बाद तियांग सूप पीने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो कहता है, मैं और नहीं पी सकता हूँ, मुझे और नहीं पीना है, मुझे उल्टी आ रहा है। जनकू कहता है, लेकिन तुम इसको पीना होगा, तुमने सुबह से ज़्यादा कुछ नहीं खाया है, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तियांग कहता है, मुझसे और नहीं खाया जा रहा है। जनकू तुरंत सूप को अपने मुँह में ले लेता है। तियांग कहता है, थैंक गॉड तुमने सूप पी लिया है, अब मुझे और नहीं पीना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही तियांग की बात ख़त्म होता है, जनकू तियांग के किस के थ्रू उस सूप को पिला देता है। जैसे जनकू तियांग से अलग हुए, तियांग को उल्टी आने ही वाले थे, लेकिन जनकू ने उस टाइम पर तियांग को किस कर लिया और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली किस कर रहे थे। ऐसे दिन बीतते जा रहा था बहुत ही रोमांटिकली और बहुत ही अच्छा सा। जनकू हर पल तियांग का ध्यान रखता है और जिमिन हर रोज़ तियांग को नोटबुक देकर जाते हैं, उसको समझा कर जाता है। जिमिन उसको बहुत मदद कर रहा था। तियांग को कॉलेज जाने का मन तो करता है, लेकिन जनकुक ने साफ उसको मना कर दिया था। नर्स हर टाइम पर तियांग की ध्यान रखता है। तियांग जनकुक से कहता है, प्रोफेसर या फिर मेरे हस्बैंड, मैं क्या करके तुम्हें रिक्वेस्ट करूँ? दो दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, क्या तुम मुझे एग्ज़ाम नहीं देने वाले हो? मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, प्लीज़। जनकुक कहता है, अब बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो गया है, तुम्हारा टाइमिंग बहुत बड़ा हो गया है, और ऐसे भी कुछ दिन बाद बेबी होने ही वाले हैं। डॉक्टर ने कहा एक ही हफ्ते में तुम्हारा बेबी कभी भी आ सकता है। तियांग तुम इस बार एग्ज़ाम नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। तियांग बहुत ही फोर्स करता है, वो एग्ज़ाम देना चाहता है, कुछ भी हो जाए वो एग्ज़ाम नहीं छोड़ेगा, उसको इस बार एग्ज़ाम देना ही है, वरना एक साल पीछे छूट जाएगा। जनकू कहता है, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अगले साल दे देना। जनकू की बात सुनकर तियांग रोने लगते हैं। जनकू कहता है, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं कुछ ऐसा करता हूँ ताकि तुम घर में रहकर ही एग्ज़ाम दे सको। तियांग कहता है, ये तो बिल्कुल फेयर नहीं होगा, सबके साथ अनफेयर हो जाएगा। क्या कोई और अगर प्रेग्नेंट होता तो उसके साथ तुम उसके घर में एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन देते क्या? नहीं ना, तो मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे भी वहाँ पर जाकर ही एग्ज़ाम देना चाहिए, मेरे साथ मेरा बेबी भी एग्ज़ाम देगा, वो भी सीखेगा कि एग्ज़ाम आखिर देना कितना ज़रूरी है, और मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ एग्ज़ाम दूंगा। जनकू कहता है, तियांग माय लव, मैं तुम्हें ऐसी हालत में एग्ज़ाम देने की परमिशन कैसे दे सकता हूँ? तियांग कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे एग्ज़ाम देना ही है, प्लीज़ मुझे कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस, मैं अपनी बेबी का ध्यान रखूँगा, और ख़ासकर तुम तो हो ही मेरा ध्यान रखने के लिए। मैं टाइम टू टाइम दवाई लूँगा, जूस पीऊँगा, खाना खाऊँगा, फिर भी मुझे एग्ज़ाम देने दो। जनकू कहता है,
हाँ ठीक है, लेकिन मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही करना। तियांग प्लीज, मुझे बहुत ही घबराहट हो रहा है। तियांग जनकुक की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। जनकुक तियांग की तरफ देखता है, वो बहुत ही इमोशनल और सैड था। जनकुक को तियांग टाइटली हक कर लेता है, कहता है अब तो हम दोनों के बीच में टम्मी आ जाते हैं, दोनों साथ में बहुत ही अच्छे तरह से हक भी नहीं कर सकते हैं। मुझे जो हक करना था वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जनकुक, मैं जानता हूँ तुम मुझे लेकर बहुत ही परेशान हो, लेकिन मैं अपने प्रोफेसर से परमिशन चाहता हूँ। प्लीज़ प्रोफेसर, मुझे एग्ज़ाम देने दीजिए, और मैं अपने हस्बैंड से कहना चाहता हूँ, जबकि मेरे हस्बैंड की प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। प्लीज़ हस्बैंड, तुम भी मुझे परमिशन दे दो, प्रोफेसर ने तो दे दिया है, अब तुम्हारी बारी है। जनकुक कहता है प्रोफेसर और तुम्हारा हस्बैंड दोनों ही तुम्हें परमिशन देते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ तुम अपना ध्यान रखो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं तुम अब और एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तुम तुरंत मुझे कह दोगे। तियांग कहता है ठीक है, डन। उसके बाद तियांग एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज आ जाते हैं। एग्ज़ाम के दिन पर तियांग ने बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दिया है। बीच बीच में उसको दवाई खाना पड़ा, जूस पीना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी उसने एग्ज़ाम कम्प्लीट किया है। तियांग को लगा शायद इस एग्ज़ाम में वो पास कर जाएगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसको एग्ज़ाम के बीच में खाना खाना पड़ा और पता नहीं क्या क्या। जनकुक हर टाइम पर तियांग का ध्यान रखने के लिए आसपास ही घूम रहा था। तियांग ने जनकुक से कहा इससे सबका ध्यान टूट जाएगा एग्ज़ाम से, तुम मुझ पर इतना ध्यान मत दो। लेकिन जनकुक कहाँ सुनने वाले थे, उसने तियांग पर से अपनी नज़र नहीं हटाया। लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पर तियांग एग्ज़ाम दे ही रहा था। एग्ज़ाम ख़त्म होने में 30 मिनट बाकी है, लेकिन वहाँ पर तियांग को पेन शुरू हो जाता है। जनकुक ने जैसे देखा तियांग की पेन शुरू हो गए हैं, उसने तियांग को गोद में उठा लिया और कार पर जाकर बैठ गए। तियांग को तुरंत हॉस्पिटल लेकर आया। डॉक्टर ने कुछ देर बाद बाहर आकर कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय हुआ है। जनकुक कहता है और मेरा तियांग तियांग कैसे है? डॉक्टर को वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में पूछता है क्योंकि डॉक्टर ने तियांग के बारे में कुछ नहीं कहा। डॉक्टर कहता है अब गुस्सा करना बंद करो, तियांग ठीक है, उसको क्या हो सकता है जबकि तुम उसके साथ हो, जाओ जाकर उसे मिल लो। और उसकी बच्चे को जनकुक की गोद में दे देते हैं। जनकुक अपनी बच्चे को गले लगा लेता है। तियांग से जाकर कहता है तियांग देखो हमारे कितने प्यारा सा बेबी बॉय हुआ है, तुम्हारे तेगुक दुनिया में आ गए हैं। तियांग कहता है क्या सच में हमारे बेबी बॉय हुआ है, मुझे देखने दो। जनकुक तियांग की गोद में उस बेबी को देते हैं। तियांग उस बेबी को अपनी गोद में लेते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जनकुक ने कहा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम अच्छे नहीं फील कर रहे हो क्या? तियांग कहता है जनकुक किसने कहा मैं बुरा फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। जनकुक कहता तो रो क्यों रहे हो? तियांग कहता है बेबी तुम्हारे जैसे बने हैं, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते हैं, मेरे जैसे नहीं। जनकुक कहता है इसलिए रो रहे हो, ठीक है अगली बार जो बेबी होगा ना वो तुम्हारे जैसे दिखेगा। तियांग कहता है क्या तुम्हें और बच्चा चाहिए क्या? जनकुक कहता है एक अगर हो ही गया है तो दूसरा भी ले लेंगे। तियांग कहता है तुम बहुत बुरे हो। जनकुक कहता है हाँ तो मुझे तियांग चाहिए था, लेकिन जनकुक आ गए हैं। लिटिल जनकुक को वेलकम करते हैं, लेकिन लिटिल तियांग को भी तो आना है ना, वरना तेकू कैसे बनेगा? जनकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराता है। उसके बाद जनकुक तियांग को हक करता है। डॉक्टर ने कहा तुम दोनों की प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है ना, एक बच्चे हुआ नहीं कि दूसरे बच्चे की प्लानिंग शुरू कर दिया। जनकुक मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम चाहो तो एक साथ 3-4 भी जन्म दे सकते हो। जनकुक ने कहा डॉक्टर मैंने इस तरह से सोचा नहीं है, आगे से ध्यान रखूंगा ताकि अगली बार एक साथ 4 बच्चे को जन्म दे सकूं। तियांग कहता है क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? जनकुक तियांग के होठों पर किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। बेबी इन दोनों को किस करते हुए देखकर मुस्कुराता है। वन एक बार जनकुक तियांग को लेकर घर में जाते हैं। जिमिन तियांग से मिलने के लिए घर आ जाते हैं। जिमिन तियांग की बेबी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, उसको अपनी गोद में लेते हैं और कहते हैं लिटिल प्रोफेसर। बेबी जिमिन की गोद में सूसु कर देता है। जिमिन कहता है एक प्रोफेसर कम था क्या मुझे डराने के लिए, अब दूसरा भी आ गया है।
जिमिन की बात सुनकर तेयांग और जंगकुक दोनों मुस्कुराता है और सब लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। सो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय बटरफ्लाइज। और मैं जानती हूँ मेरे कुछ बटरफ्लाइज मुझे हमेशा कमेंट करते रहते हैं, तुम लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं है गाइस, मुझे पता है। मेरे चैनल में कौन कौन मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे रियल सपोर्टर को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आई रियली लव यू, मिस यू गाइस, बाय बाय।